हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। आई होप ईच वन ऑफ इज फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज। सो इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी पीयू मेंस के बारे में, जिसका एग्जाम है परसों एंड बहुत से लोगों का एग्जाम कल भी होगा, एंड आईसीएल एओ का जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा या जो लोग दे पा रहे होंगे बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, कुछ लोगों का सेंटर शायद नहीं दूर दूर है, तो उस वजह से कुछ लोग दे भी नहीं पा रहे हैं। तो जिन लोगों का एग्जाम है कल, तो उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से दीजिएगा अपना एग्जाम। एंड परसों भी है, तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो बात करेंगे इस वीडियो में आरआरबी पीयू मेंस के बारे में। छोटी सी वीडियो रहेगी ब्रीफ में, ठीक है, टू दी पॉइंट बात करूँगी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अपना 4-5 सालों का मेंस का। काफ़ी लोग पूछ रहे थे मेंस को लेके। ठीक है, तो हम सभी को पता है मेंस में आरआरबी में टाइम क्या रहता है, कंपोजिट रहता है 2 आवर्स का एंड 5 सेक्शंस रहते हैं, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीए एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये होती है कि जब यहाँ पे सेक्शनल टाइम डिवाइडेड नहीं है, सेक्शन नहीं पता है कौन सा, वो हम पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा कि हम किस सेक्शन को कितना टाइम दे रहे हैं और कौन सा सेक्शन हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। सारी चीज़ें मतलब हमारे ही हाथ में हैं। तो मैं अपना बताती हूँ, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, मेरा जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जो सेक्शन में पहले मैंने सेलेक्ट किया था वो यही था, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर सेक्शन। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग, देन इंग्लिश, देन क्वांट, ऐसा रहा था। ठीक है, और दूसरा ये भी है, जो लोग करना चाहें कि आप सबसे पहले जो आपका स्ट्रेंथ है, जिस पे आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, क्वांट एंड रीजनिंग में से वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ऐसे सेक्शन हैं जिसमें आपको स्कोर बहुत अच्छे मिल सकते हैं, लाइक 50-50 मार्क्स का ये होता है। बाकी सारे सेक्शन आपके 40-40 होते हैं, एक्सेप्ट कंप्यूटर, उसमें आपको सिर्फ 20 मार्किंग रहती है, 20 मार्क्स में से आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको जो लगता है रीजनिंग कौन में से, वो आप सेलेक्ट करके, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आप सेलेक्ट करके अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद दूसरा इन रीजनिंग कौन में से जो हो गया, इंग्लिश सेक्शन हो गया, फिर रीजनिंग कौन में से कोई। ठीक है, यानी कि रीजनिंग कौन में से जो आपकी स्ट्रेंथ वो, देन उसके बाद इंग्लिश सेक्शन, फिर रीजनिंग कौन में से जो आपने स्किप किया था वो कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट पर आप कंप्यूटर जीए को दे सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज लास्ट 2 साल से ऐसा हो रहा है कि जो जनरल अवेयरनेस है और जो कंप्यूटर सेक्शन है उसकी जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है काफ़ी लेंदी मतलब की जा रही है। जैसे कि लोगों को लगता है कि काफ़ी लोग डिसाइड करके जाते हैं कि हाँ इस सेक्शन को हमें 10 ही 10 मिनट देने। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, ठीक है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपकी रीडिंग होता नहीं कि हाँ आप जल्दी जल्दी रीड कर ले रहे हो, तो भले आपको इतना कम टाइम लगे, अदरवाइज क्वेश्चंस इतने लंबी वहाँ पे रहते हैं कि मतलब इतनी जल्दी नहीं हो पाता, मेरे से तो नहीं हो पाता है, बट आपका नहीं पता मुझे। ठीक है, अगर हम सोच के चले कि नहीं हमें 8-10 मिनट में काउंट वो सॉरी जीए और कंप्यूटर कर ही देनी, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। और दूसरा चीज़ ये भी रहता है कि क्वेश्चन देख के क्या होता है ना कि जीए का हो या कंप्यूटर का, हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमने कहीं पढ़ा है, हमें याद नहीं आ रहा है, या क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर लाइक हमने पढ़ तो रखा है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर मोड़ कर दिया गया तभी हमें लगता है कि हाँ हमने कहीं पढ़ा होगा। उस जगह पे क्या होता है ना कि उस क्या बोलते हैं उसको, अरे क्वेश्चन को लेके एक होता है मन में डाउट हो जाना, ठीक है, गेस करने के चक्कर में वहाँ पर टाइम किल होने लगता है। हाँ सॉरी, तो टाइम जाने लगता है, हमें पता भी नहीं चल पाता कि हमने इन दोनों सेक्शन को हमने कितना टाइम दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर आपके अंदर पेशेंस बहुत अच्छा है, अगर आपके अंदर वो चीज़ है लाइक कि हाँ आपको इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। जितने क्वेश्चन आपको, अगर 40 में से आपको 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपको करके वहाँ से उस सेक्शन को वहीं पे छोड़ देना है, उसके बाद दूसरे सेक्शन में स्विच करना है, तो आप कर सकते हैं इसमें। मुझे लगता है ठीक है। ठीक है, पहले सबसे आपने उसको जीए को और कंप्यूटर को देख लिया कि हाँ इतने क्वेश्चन में आ रहे थे, हमने अटेम्प्ट कर लिया, फिर उसके बाद हम अपना क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन को कर सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, वो वाली आदत है कि नहीं कहीं पढ़ा है, तो वो फिर आप लास्ट में कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों में से जो आपको बेस्ट लगता है, जो आपको बेटर लगता है, वो वहाँ पे देख लेना आप, ठीक है, अपने हिसाब से। बट यहाँ से कुछ ये सोच के मत जाना कि कहाँ पे कैसे क्या करना है। और दूसरी चीज़ जो ये सेक्शन वाला है हिंदी और इंग्लिश वाला, कि वहाँ पे जाके आप सेलेक्ट करके देखोगे, ये मिस्टेक किसी ने की थी याद तो नहीं है मुझे, वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में मतलब 10-15 मिनट वेस्ट करने के बाद मतलब किसी ने हाँ हिंदी सेलेक्ट किया था, उसके क्वेश्चन आंसर किए, ठीक है, करने के बाद फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए डिफिकल्टी नहीं हो पाए, तो फिर उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिटाने के बाद इंग्लिश सेक्शन को स्विच करके फिर क्वेश्चन के आंसर दिया गया था। क्या आपके पास इतना टाइम रहेगा एग्ज़ाम में कि आप इस तरह की मतलब गलती कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें मतलब मिस्टेक मतलब किसी तरह की मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप डिसाइड करके जाना कि आपको कौन सा सेक्शन वाइज चूज़ करना है और सबसे पहले कौन सा करना है। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं आप सेलेक्ट करके जाते हो कि कौन सा सबसे पहले करना, तो एक बार आप गो थ्रू हो लेना जीए से और कंप्यूटर से जल्दी, ठीक है, कि हाँ डुएबल है, जितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं जल्दी हमने कर लिया, फिर उसके बाद सारे सेक्शन को आप कीजिएगा। अदरवाइज़ छोड़ दीजिएगा लास्ट मोमेंट पे, 20-25 मिनट जो भी आप उनके लिए रखिएगा उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है,
क्योंकि लास्ट में ऐसा भी नहीं, गेस वर्क भी आप नहीं कर पाओगे, जल्दी जल्दी भी जो क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे वही करके आप वहीं पे पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो किसी तरह की मिस्टेक वहाँ मत करना कि किसी क्वेश्चन में आपको लाइक कोई पजल नहीं बन रही है, कोई DIF से नहीं बन रही, तो आप उसी पे अटके हुए हैं कि नहीं बन क्यों नहीं रही है, ईजी है, डुएबल है, क्यों नहीं हो रही। इस तरह की गलती मत कीजिएगा, चाहे कोई भी सेक्शन हो आपका, चाहे वो GA हो, क्योंकि कोई क्वेश्चन हाँ हमने पढ़ा है याद नहीं आ रहा है, तो ये सारी मिस्टेक्स हैं जो आपको वहाँ पर नहीं करनी है, ठीक है। और दूसरा कि आप ये हिंदी और इंग्लिश वाला वहाँ पे मत डिसाइड करना जाके कि ये इजी है वो इजी है, फिर कुछ क्वेश्चन किए अटेम्प्ट किए फिर उसको मिटा रहे हैं, फिर दूसरे सेक्शन में स्विच कर रहे हैं, ठीक है। ये मिस्टेक किसी ने की थी इसलिए मैं आपको एज एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। ये मुझसे किसी ने बताया था, इस तरह की गलतियाँ मत करना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जिनका फर्स्ट टाइम होगा, जो अपेयर हो रहे होंगे, बिगनर्स होंगे, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। बाकी जो लोग देते आ रहे हैं मेरी तरह, तो उनको तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से कीजिएगा, बाकी पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं। जितना आपने पढ़ना था GA और कंप्यूटर को लेकर कुछ अब नहीं सोचना है, बस आपने पढ़ लिया, बस अपना अपने आप को पॉजिटिव रखिए कि हाँ जितना आपने पढ़ा है सफिशिएंट है, आप अपना बेस्ट दोगे चाहे जैसा भी पेपर आए, ठीक है। चाहे जनरल नॉलेज कैसी भी रहे या कंप्यूटर कैसा टफ है, तो वो सबके लिए रहेगा, जैसे भी क्वेश्चन वहाँ पर फ्रेम किए जाएंगे तो हमें आंसर्स भी वैसे ही देना है, उसी तरीके से पेपर करना है, ठीक है। बाकी जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं है इन दोनों में से कोई भी, तो आने वाले एग्ज़ाम हैं आपके, जैसे RRB क्लर्क है जिन लोगों का हुआ होगा, IPS क्लर्क है, IPS PO है, SBI PO का भी नोटिफिकेशन आ गया, मतलब बैक टू बैक आपके एग्ज़ाम आते ही रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो अभी से, ठीक है। तो जिन लोगों के पास स्मार्ट क्रीड़ा का मॉक टेस्ट नहीं है, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, उसमें आपको मॉक ड्रिल भी करंट अफेयर की प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपके 50-50 क्वेश्चंस रहते हैं, 11 सेट्स रहेंगे आपके पूरे प्रॉपर तरीके से, और बाकी टेस्ट सीरीज तो आपकी रहती हैं टॉपिक टेस्ट के साथ। तो इसमें 25% का ऑफ चल रहा है, इसलिए मैंने बता दिया, हालांकि इसमें 10% का ही रहता है, बट इस वक्त ऑफर चल रहा है जो कि आपका कल ओवर हो जाएगा नाइट में, तो जिन लोगों को लेना है आप ले सकते हो, कोड यूज़ कर लीजिएगा VS10, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट, ऑल द बेस्ट जिनका कल NICL AO है, ठीक है।